वाली चीज मैंने फर्स्ट टाइम देखी है, मकई की रोटी भी आ गई है यहाँ पे। चार टमाटर ले लेते हैं 99 सेंट्स या ऑलमोस्ट एक डॉलर के पाउंड है। ये चिकन पड़ा हुआ है, ये ऊपर लिखा हुआ है हलाल शरीफा 8 डॉलर की। इसमें क्या होगा, इसमें थोड़ा सा दूध ही गर्म होगा, इसमें तो एक कप चाय भी नहीं बनेगी। ये केक क्रस्ट लिया मैंने रहमत शीरी का। मैं ज़ारा के लिए एक पिज़्ज़ा ले जाता हूँ, ज़ारा को पिज़्ज़ा पसंद है, 299 का पिज़्ज़ा है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। काफ़ी दिन हो गए, काफ़ी ज़्यादा मसरूफियत है। आजकल हमारी कोई ट्रेनिंग चल रही थी जो कि मैंने और एक और इंस्ट्रक्टर है वो देनी थी हमने न्यू सर्विस इंजीनियर्स को। मंडे टू फ्राइडे बहुत ज़्यादा बिजी था, काफ़ी दिन हो गए, व्लॉग भी अपलोड नहीं किया और कोशिश करूँगा इसको एडिट करके जल्द से जल्द अपलोड कर दूँ। भाई रमज़ान भी आने वाला है और रमज़ान आई थिंक सोमवार या मंगल को स्टार्ट हो जाएगा, 2-3 दिन रह गए। आपने मेरा पिछला भी व्लॉग देखा होगा जिसमें मैंने रमज़ान की कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग की थी। शॉपिंग मीन्स के ग्रोसरी वगैरह कोई दूसरी कपड़ों की शॉपिंग नहीं, ग्रोसरी वगैरह की थी। और अब यह है कि थोड़ी सी और मैंने ग्रोसरी करनी है आज। अभी मैं यहाँ से निकलूँगा, घर की तरफ जाऊँगा और घर जाने से पहले जो है रास्ते से मैंने कुछ थोड़ी बहुत ग्रोसरी शॉपिंग करनी है। नान मेरे ख़त्म हो गए, जो मैं नान खाता हूँ वो मैंने लेने। माह रमज़ान में भी मेरी कुछ ट्रैवलिंग होगी, पहला वीक के मेरे 3-4 दिन ट्रैवलिंग होगी और बड़ा दुख है और अफसोस है कि पहले कुछ दिन में, जाहिर सी बात है जब आप ट्रैवलिंग में हो तो रमज़ान का या इबादत का वो मज़ा नहीं आता जो आपको अपने घर में बैठ के आता है। तो बहरहाल जॉब है, अमेरिका में रहते हैं तो ये सब चीज़ें साथ चलती रहती हैं। अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि जितना हैंडल हो सके या जितना स्केड्यूल आगे पीछे हो सके, रमज़ान से हट सके, वो तो करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके हाथ में नहीं होती। इवन आप कहीं पे भी हैं, पाकिस्तान में या कहीं पे भी हैं, तो जॉब तो करनी है। तो बहरहाल मैं भी आगे की तरफ जाता हूँ, ग्रोसरी स्टोर में पहुँच गया हूँ, अल मदीना सुपर मार्केट। ये ह्यूस्टन में हिल क्राफ्ट पे है, तो अंदर जाते हैं और देखते हैं कि 2-4 चीज़ें ही लेनी थी। तो यहाँ पे मैं आता हूँ अपने नान लेने के लिए और देखते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ है, थोड़ी बहुत चीज़ें होंगी। रमज़ान की चीज़ें यहाँ पे आ गई हैं, ये देखें। कुरान के लिए वो रेल पड़ी हुई है, काफ़ी रमज़ान के आइटम्स आए हुए डेकोरेशन के। खजूरें आई थिंक यहाँ पे भी लगी हुई है, खजूरें ही हैं, पता नहीं कुछ और आई है। देखते हैं अपनी चीज़ें, टमाटर लेने और भी कोई चीज़ें लेनी है तो आगे चलते हैं। 4 टमाटर ले लेते हैं 99 सेंट्स या ऑलमोस्ट 1 डॉलर के पाउंड है। मैंने 4 ले लिए नॉर्मल साइज़ के, कार्ट में रख देते हैं और आगे चलते हैं। धनिया ले लिया, बड़ा फ्रेश धनिया है, तकरीबन 79 सेंट्स का है, 79 सेंट्स, हाँ मतलब 1 डॉलर से कम है, 100 सेंट्स होते हैं 1 डॉलर में। आगे चलते हैं और केक रस लेने और मैंने अपने नान लेने और 1-2 चीज़ें और देखते हैं। खजूरें ये देखें, मैंने आपको पहले भी बताई थी लास्ट व्लॉग में भी, मिडजूल डेट्स। तो यहाँ पे चलते हैं, डिफरेंट तरह के पराठे यहाँ पे लगे हुए हैं, इन्हें घर जाके बस तब आपको बताना होता है और आपके सामने गर्मा गर्म रेडी हो जाते हैं। देखते हैं कौन से पराठे लें, कुलचा नान, कंधारी नान, कुलचा नान, हर तरह के नान, रोगनी नान, तंदूरी नान, ये चीज़ मैंने फर्स्ट टाइम देखी है। मकई की रोटी भी आ गई है यहाँ पे, आप पाली इसको जाके पीछे लिखा होता है कि आपने कैसे पकाना है या कैसे गर्म करना है इसको। तो इस वक्त मैंने अभी लच्छा पराठा ले लिया, एक होम स्टाइल पराठा लिया, ये ट्रायंगल शेप का जो होता है, और एक लच्छा पराठा ले लिया मैंने। ये रमज़ान के लिए लिए कि सहरी में काम आएंगे। रोगनी रोटी मेरे वजह खाना वापस डाल देता हूँ अभी, तो कौन साग बनाएगा आपको पता, जब तक सरसों का साग ना हो तो फिर मकई की रोटी का मज़ा नहीं आता। चावल यहाँ पे पड़े हुए हैं काफ़ी तरह के, पाकिस्तानी ब्रांड्स भी होते हैं, इंडियन ब्रांड्स भी होते हैं,
लेकिन हम कोई और लेते हैं, मैंने अभी लेने तो नहीं है। मैं देखता हूँ जो हम लेते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, काफी अच्छे पकते हैं वो वाले चावल। चिकन पड़ा हुआ है, ये ऊपर लिखा हुआ है हलाल ज़बीहा, यानी कि हैंड कट है, ये लोग ज़बीहा करते हैं। ज़बीहा जो होता है उसकी थोड़ी सी प्राइस ज्यादा होती है हैंड कट वाले मीट की। यहाँ पे डिफरेंट कबाबों का मसाला भी तैयार पड़ा हुआ है, अगर आपने कबाबों का मसाला लेना है। हम जो मीट हैं वो सिर्फ हलाल ग्रोसरी स्टोर से ही लेते हैं, अमेरिकन स्टोर से नहीं लेते। क्रीसेंट लिखा हुआ है आपको अगर देखें तो, क्रीसेंट यहाँ पे सबसे बड़ी सबसे मशहूर कंपनी है जो हलाल मीट देती है। तो ये अरबियों का है ग्रोसरी स्टोर, यहाँ पे ज्यादा अरबी लोग ही हैं। और हम जो चावल लेते हैं, जो चावल घर पे इस्तेमाल करते हैं, वो ये वाले चावल हैं, रॉयल शेफ सीक्रेट एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रीन बासमती राइस। बहुत अच्छे चावल हैं ये, और इसकी प्राइस होगी तकरीबन, प्राइस बढ़ती रहती है यहाँ पे हर चीज की। रॉयल शेफ सीक्रेट 1299। तो जो मैंने अपनी मेन चीज लेनी है वहां पे चलते हैं, नान लेने हैं और आगे चलते हैं। ये अरबियों का स्टोर है जो पाकिस्तान के स्टोर होते हैं, वहां पे पाकिस्तान के काफी ज्यादा ब्रांड्स होते हैं सिल्वर वाले। चाय की केतलियां लगी हुई हैं और ये अरबी स्टाइल के थर्मस, काफी महंगे महंगे थर्मस है, $70 का थर्मस है ये। ऊपर तो लिखा हुआ है कि 10% ऑफ हर चीज पे रमजान की वजह से, अच्छी बात है। ये देखें $8 की, इसमें क्या होगा, इसमें थोड़ा सा दूध ही गर्म होगा, इसमें तो एक कप चाय भी नहीं बनेगी। टैंक यहाँ पे पड़ा हुआ है, टैंक का बहुत बड़ा बॉक्स पड़ा हुआ है, ये बॉक्स है डब्बा है। ऑरेंज टैंक इधर भी है, ग्रेट टेस्ट 3 लीटर जग के लिए। देखते हैं मैंगो जूस यहाँ पे है, मैंगो जूस नजर तो नहीं आ रहा, यहाँ पे नहीं है मैंगो जूस नहीं है यहाँ पे। काफी अच्छे ग्रोसरी स्टोर है, आपने देखे कई चीजें यहाँ पे, और मैं जूसेस की आइल में खड़ा हूँ, मेरे पीछे आप देखे कई तरह के जूसेस हैं और इस तरफ भी काफी जूसेस लगे हुए मेरे पीछे भी। तो आगे चलते हैं, और मेरे ख्याल फाइनल चीज नान है। मैंने केक रस लिया, मैं आपको केक रस दिखाता हूँ। ये केक रस लिया मैंने रहमत शीरें का, तो ये ट्राई करते हैं। पहले हम लेते थे KCB ब्रांड का, लेकिन ये रहमत शीरी का, ये भी ट्राई करते हैं कि ये कैसा है, और फिर बताते हैं आप लोगों के साथ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं केक रस यहाँ पे कैसा है। ये आई थिंक कराची की कंपनी है ये, मैंने घर पे फेस टाइम किया, फेस टाइम मीन्स के वीडियो कॉल, कुछ दिखाना था अपनी वाइफ को, तो मेरी बेटी को पीछे जो है ना कैंडीज नजर आ गई, तो यानी कि जो लॉलीपॉप्स वगैरह होती हैं, देखिए मेरे पीछे कैंडीज की आइल है, कहती है मेरे लिए लॉलीपॉप लेके आए, इसको लॉलीपॉप बड़ा पसंद है। गंद मंद कोशिश होती है कम से कम ही खाए, ऐसे घर में ला के नहीं रखते, अगर कहीं बाहर लेके जाएं तो आपको पता है बच्चे तंग करते हैं, तो फिर उसके लिए उस वजह से उसके लिए ले लेते हैं। तो एक छोटा सा लॉलीपॉप मैंने ले लिया ज़ारा के लिए, तो नान स्टिल रहेगी मार्बल में, कह रहा हूँ नान की तरफ चलते हैं। इनके पास खाने के भी आइटम लगे हुए, लाइक ये रोस्टेड चिकन है, रोस्टेड है या आप बेक्ड किया हुआ है पता नहीं, यानी कि आप यहाँ से खाना भी लेके जा सकते हैं। मैं ज़ारा के लिए एक पिज़्ज़ा ले जाता हूँ, ज़ारा को पिज़्ज़ा पसंद है, $2.99 का पिज़्ज़ा है, और डिफरेंट बीफ पाइज वगैरह लगी हुई यहाँ पे, जिसको यहाँ पे तो पाई बोलते हैं, पोटैटो पाई, बीफ पाई, नीचे कुछ और खाने भी लगे हुए, और ये मीठा है इनका। फाइनली मैंने ये दो चीज़ें ले ली हैं, पाए ये मैंने अभी रास्ते में खाना है, काफ़ी भूख लगी हुई है, नाश्ता नहीं किया, इस ज़ारा के ले लिया, और ये वो नान है जो मैंने आपको बताया था मैं लेता हूँ। ये थोड़े छोटे साइज़ के हैं, जो पाकिस्तान में कहते हैं मंदरे लगे हुए और ये छंड के लगे हुए, तो ये 2-3 मैं ले जाता हूँ और फ्रीज करके रख लेता हूँ,
और फिर जब भी खाना हो उसको टोस्टर में गर्म करके हम खा लेते हैं। तो ये सारा ग्रोसरी स्टोर था, और इतनी ज्यादा ग्रोसरी मैंने नहीं की, थोड़ी सी चीजें थी। ब्रेड लेनी है, ब्रेड यहाँ पे नहीं है, हो सकता है मुझे दूसरे स्टोर पे जाना पड़े ब्रेड के लिए। और मेरे ख्याल है यही चीज़ है, अपनी ब्रेड्स उठाते हैं इससे पहले कि और लोग आए, रश पड़ जाए। ग्रोसरी में लेके गाड़ी में आ गया हूँ, और गाड़ी में मैंने रख दिया ग्रोसरी। तकरीबन 7-8 चीजें थी टोटल, और मेरा बन गया है तकरीबन $42 बन गया सब चीजों का। आप देखें $40 कितना बनता है, 10,000 से ऊपर ही बनता है। इतना कुछ खास मैंने लिया भी नहीं है। 3 नान के पैकेट लिए जो मैंने आपको दिखाए थे, और 2 पराठे लिए मैंने, और इसके अलावा मैंने ये एक केक रस लिया है, तो 4 टमाटर लिए हैं, धनिया लिया है, छोटा सा लॉलीपॉप लिया है, और ज़ारा के लिए पिज्ज़ा लिया है, और एक और वो जो पेस्ट्री टाइप जो भी था, पाए बोलते हैं, बीफ पाए, वो लिया। तो अपना व्लॉग मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, और थैंक यू सो मच कि आपने यहाँ तक व्लॉग देखा, और आप लोगों की सपोर्ट का शुक्रिया। आप लोग मुझे मैसेज करते रहते हैं कि मैं ज़्यादा व्लॉग अपलोड करूँ, लेकिन मसरूफियत होती है, मैं ज़्यादा व्लॉग अपलोड कर नहीं सकता। आप लोगों का बहुत शुक्रिया वंस अगेन कि आप आखिर तक मेरा व्लॉग देख रहे हैं। तो अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको दूसरों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आप सब अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़, एंड रमज़ान मुबारक इन एडवांस। मुझे लगता है ये लास्ट व्लॉग होगा मेरा रमज़ान से पहले।